हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राज परमीना, एमबीबीएस स्टूडेंट, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द मीडिया स्टेनम। अब मीडिया स्टेनम क्या होता है? तो मीडिया स्टेनम अपने दोनों लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मीडिया स्टेनम। या तो आप ये बोलो कि लंग्स के बीच का स्पेस, या बोलो आप प्लूरा के बीच का स्पेस। अब लंग अपने प्लूरा से कवर्ड होते हैं ना, तो उनके बीच का स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टेनम। तो इस मीडिया स्टेनम का अपन को बाउंड्री पढ़ने एंड इसके कंटेंट पढ़ने हैं। अब मीडिया स्टेनम ये हो गया, इन लंग्स के आगे की तरफ क्या मिलता है? अपना स्टर्नम मिलता है। स्टर्नम इस टाइप में मिलता है ना, ये स्टर्नम। तो स्टर्नम होता है ये, इसकी एंटीरियर बाउंड्री बना देता है मीडिया स्टर्नम की, ठीक। और इसके पीछे की तरफ क्या मिलते हैं? अपने वर्टिब्रा मिलते हैं। तो थोरेक्स वर्टिब्रा इस टाइप में पीछे की तरफ मिलते हैं, ठीक है। तो थोरेक्स वर्टिब्रा हो गए, ये इसकी पोस्टियर बाउंड्री बना देते हैं। अब इसके नीचे की तरफ क्या मिलता है? नीचे की तरफ यहाँ पर अपना डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना देता है, ठीक। अब ऊपर की तरफ क्या मिलता है? तो ऊपर की तरफ देखो, ये इस टाइप में कनेक्ट होता है। तो ये मेरिब्रम के ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये T1 वर्टिब्रा से इस टाइप में कनेक्ट रहता है अपने थोरेसिक इनलेट के थ्रू। तो थोरेसिक इनलेट होता है वो इसकी सुपीरियर बाउंड्री बना देता है। और ईस्ट साइड में क्या मिलेगा? तो ईस्ट साइड में जो, तो ये है ही अपना मीडिया स्टेनम प्लूरा। तो मीडिया स्टेनम प्लूरा इसके ईस्ट साइड में मिलेगा। हाँ, अब इसी का ही अपन एक डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं यहाँ पे। तो अपन देखा कि एंटीरियर ऊपर की तरफ होता है, अपन एंटीरियर इधर की तरफ, मतलब अपना स्टर्नम इधर तरफ ड्रॉ कर देंगे और वर्टिब्रा इधर की तरफ। तो उनके बीच का हो जाएगा अपना मीडियल स्टर्नम, ठीक है। अभी अपने डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया अपना मेनिब्रम वाला पार्ट, ये इस टाइप में, ये हो गया बॉडी, और नीचे की तरफ ये अपना जेफेट पोसेस। एक बार ड्रॉ कर देते हैं, नेमिंग बाद में कर देंगे। यहाँ पे मिलते हैं अपने वर्टिब्रा, ये हो गया अपना T1 वर्टिब्रा, ये हो गया अपना T2 वर्टिब्रा, ये हो गया अपने T3 वर्टिब्रा, और ये हो गया अपने T4 वर्टिब्रा, ये अपना T5 वर्टिब्रा, ये T6 वर्टिब्रा, ये T7, T8, T9, T10, T11 एंड T12 स्टेप में। आगे की तरफ हो गया ये एंटीरियर, पीछे की तरफ हो गया पोस्टीरियर, ऊपर सुपीरियर और नीचे इन्फीरियर, ठीक है, स्टेप में। अब देखो ये जो मेनिब्रम का ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये T1 वर्टिब्रा से कनेक्ट होता है अपने थोरेसिक इनलेट के थ्रू, इस टाइप में ये अपना थोरेसिक इनलेट हो गया, ये थोरेसिक इनलेट। और यहाँ पे नीचे की तरफ क्या मिलता है? अपना डायफ्राम मिलता है। तो नीचे की तरफ अपना डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम हो गया अपना इस टाइप में, ये अपना डायफ्राम हो गया, ठीक है, ये डायफ्राम हो गया। तो देखो इसके एंटी बाउंड्री कौन बना रहा है? ये अपना स्टर्नम है, ये पोस्टी बाउंड्री वर्टिब्रा, सुपीरियर बाउंड्री थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियर बाउंड्री डायफ्राम, ये अपना हो गया थोरेसिक इनलेट, और ये हो गया अपना डायफ्राम, डायफ्राम, और ये अपने वर्टिब्रा हो गए T1 वर्टिब्रा, ये T12 वर्टिब्रा आगे की, और ये पूरा अपना स्टर्नम हो गया। तो इसको पूरे को नेमिंग कर देते हैं। तो ये अपना स्टर्नम हो गया, ये मेनिब्रम, ये बॉडी, ये जायफाइड प्रोसेस। तो अपने स्टर्नम हो गया, स्टर्नम की बाउंड्री हो गई। अब क्या करते हैं कि इस स्टर्नम को एक इमेजिनरी प्लेन होता है, वो दो पार्ट में बांट देता है। इस टाइप में एक इमेजिनरी प्लेन आता है, जो अपने स्टर्नल एंगल है ना, मेनिब्रम एंड बॉडी के बीच में स्टर्नल एंगल है। तो स्टर्नल एंगल से इस टाइप में जुड़ा होता है, यहाँ से जाके, और यहाँ पे अपनी ये T4 वर्टिब्रा है, T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से इस टाइप में, ये अपना हो गया इमेजिनरी प्लेन है एक। इसने क्या किया, इस मीडिया स्टेनम को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सुपीरियर मीडिया स्टेनम, एक इन्फीरियर मीडिया स्टेनम। अब सुपीरियर मीडिया स्टेनम की बाउंड्री क्या होगी? तो सुपीरियर मीडिया स्टेनम के आगे की तरफ क्या है? ये अपना मेनिब्रम का वाला पार्ट है ना, मेनिब्रम वाला पार्ट, स्टेनम का मेनिब्रम वाला पार्ट, इसकी एंटीरियर बाउंड्री। पोस्टी बाउंड्री कौन बना रहा है? तो T1 से लेकर T4 वर्टिब्रा तक, ये अपनी T4 वर्टिब्रा है। तो अपर फोर्थ वर्टिब्रा इसकी पोस्टी बाउंड्री बना रहे हैं। सुपीरियर बाउंड्री थोरेसिक इनलेट, और इन्फीरियर बाउंड्री ये इमेजिनरी प्लेन है, जो अपने स्टर्नल एंगल T4 वर्टिब्रा के बीच में जो इमेजिनरी प्लेन है वो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है। और ईस्ट साइड में क्या होगा? ईस्ट साइड में तो अपना वो मीडिया स्टर्नल प्लूरा ही होगा, इसके ईस्ट साइड में मीडिया स्टर्नल प्लूरा मिल रहा था ना पूरे में, तो इसमें भी वही मिलेगा मीडिया स्टर्नल प्लूरा ही, ठीक है। तो ये अपने सुपीरियर मीडिया स्टर्नम की बाउंड्री हो गई। अब इन्फीरियर मीडिया स्टर्नम, तो देखो ये अपना जैसे लंग है ना, अब यहाँ पे अपना हार्ट होता है ना,
ये लेफ्ट वेंट्री लेफ्ट लंग में यहाँ पे नोच होती है, तो यहाँ पे अपना हार्ट होता है। अब हार्ट अपना पेरिकार्डियम से कवर होता है, तो यहाँ पे क्या मिलता है, अपना पेरिकार्डियम मिलता है इस टाइप में, ये अपना ये हो गया पेरिकार्डियम। तो ये सुपीरियर मीडियास्टिनम हो गया, ये इन्फीरियर मीडियास्टिनम हो गया। अब इस इन्फीरियर मीडियास्टिनम को जो ये पेरिकार्डियम है, इस पेरिकार्डियम ने तीन पार्ट में बांट दिया, एक हो गया एंटीरियर मीडियास्टिनम, एक हो गया मिडिल मीडियास्टिनम, एक हो गया पोस्टियर मीडियास्टिनम। ठीक है, अब एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री पढ़ते हैं। तो एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री कौन बना रहा है, जो अपने स्टर्नम का ये बॉडी वाला पार्ट है ये बना रहा है, ठीक है। और इसकी पोस्टियर बाउंड्री कौन बना रहा है, तो पोस्टियर बाउंड्री अपनी पेरिकार्डियम ये बना रहा है। सुपीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, ये इमेजिनरी प्लेन है, ये इमेजिनरी प्लेन बना रहा है। और इन्फीरियर बाउंड्री जो अपने ये डायफ्राम, ये डायफ्राम बना रहा है। और ईस्ट साइड अपना मीडियास्टिनम प्लूथा होगा वो बना रहा है, ठीक है। ऐसे एंटीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री हो गई। फिर अपन को ये मिडिल मीडियास्टिनम है, मिडिल मीडियास्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, तो एंटीरियर बाउंड्री क्या होता है, जो अपना स्टर्नम है, स्टर्नम से इस पेरिकार्डियम के थ्रू लिगामेंट कनेक्ट होते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये इस टाइप में लिगामेंट होता है, देखो इस टाइप में ये। अब इन लिगामेंट का नाम क्या होता है, तो ये स्टर्नम है, ये पेरिकार्डियम है, दोनों के बीच में, तो इन्हें बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। ये लिगामेंट इस मिडिल मीडियास्टिनम की एंटीरियर बाउंड्री बनाते हैं, ठीक। और पीछे की तरफ क्या है, तो पीछे की तरफ यहाँ से क्या जाते हैं, अपने ईसोफेगस वगैरह जाते हैं, ईसोफेगस थोरेसिक डक्ट डिसेंडिंग आउटा वगैरह वो जाते हैं, तो वो इसकी पोस्टियर बाउंड्री बना देंगे पीछे की तरफ। अभी अपन कंटेंट पढ़ेंगे तब बता रहे हैं, अभी तो सिर्फ अपन बाउंड्री बाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं, अभी कंटेंट अभी इसके बाद बात करेंगे, पहले बाउंड्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री जो स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट है, ये पोस्टियर बाउंड्री, यहाँ पे अपने जो ईसोफेगस होगा, थोरेसिक डक्ट होगी, और एक अपनी डिसेंडिंग आउटा होती है, वो भी इसकी पोस्टियर बाउंड्री बनाता है, ठीक। और इस साइड में तो अपना मीडियास्टिनम प्लूरा होगा वो बनाएगा। फिर ये है अपना पोस्टियर मीडियास्टिनम। अब पोस्टियर मीडियास्टिनम का आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ तो अपने पेरिकार्डियम ये बना देगा एंटीरियर बाउंड्री, पीछे की तरफ जो अपने ये T5 से लेकर T12 तक जो ये वर्टीब्रा है ये बनाएंगे, ठीक है, लोअर 8 वर्टीब्रा है ना, ये बनाएंगे। और इस साइड में अपने मीडियास्टिनम प्लूरा होगा वो बना देगा। तो ये अपने इनकी बाउंड्री देखिए, अभी अपन बाउंड्री बाउंड्री को देख ले थोरेटिकली, फिर इसके कंटेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो मीडियास्टिनम क्या होता है, कि दोनों लंग्स के बीच का स्पेस या अपने दोनों प्लूरा के बीच का स्पेस होता है, उसे बोलते हैं मीडियास्टिनम। मीडियास्टिनम की बाउंड्री देखी थी अपने, बाउंड्री में क्या होता है, इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, पहले अपन इस पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, अपना स्टर्नम, पोस्टियर बाउंड्री वर्टिब्रल कॉलम, सुपीरियर बाउंड्री थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियर बाउंड्री डायफ्राम, और इस साइड में अपना मीडियास्टिनम प्लूरा मिल रहा है, ठीक। फिर अपन ने क्या किया है, इस मीडियास्टिनम को दो पार्ट में बांटते हैं, एक सुपीरियर मीडियास्टिनम, एक इन्फीरियर मीडियास्टिनम। किसके थ्रू, एक इमेजिनरी प्लेन, किसके बीच में, ये स्टर्नल एंगल एंड T4 वर्टिब्रा के बीच में, ये अपना स्टर्नल एंगल हो गया, इसे स्टर्नल एंगल बोलते हैं। मैनुब्रम एंड बॉडी के बीच का जो ये है ना जंक्शन, इसे स्टर्नल एंगल बोलते हैं। तो स्टर्नल एंगल से लेकर लोअर बॉर्डर और T4 वर्टिब्रा तक एक इमेजिनरी प्लेन खींची अपन ने, जिसे इसे सुपीरियर मीडियास्टिनम एंड इन्फीरियर मीडियास्टिनम में बांट देता है। फिर ये इन्फीरियर मीडियास्टिनम होता है, इसे फर्दर तीन पार्ट में बांटा है, किसके थ्रू, पेरिकार्डियम के थ्रू। ये अपना पेरिकार्डियम इसने ही तो बांटा है, ये एंटीरियर मीडियास्टिनम, ये मिडिल, और ये पोस्टियर मीडियास्टिनम। तो एंटीरियर मिडिल एंड सॉरी इन्फीरियर, ये पोस्टियर मीडियास्टिनम है, ये पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। इन्फीरियर मीडियास्टिनम को तीन पार्ट में बांटा है, पेरिकार्डियम के थ्रू, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टियर मीडियास्टिनम। अब सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो सुपीरियर मीडियास्टिनम ये ऊपर वाला, इसकी बाउंड्री कौन बना रहा है, आगे की तरफ क्या है, आगे की तरफ जो अपना स्टर्नम का मैनुब्रम वाला पार्ट है वो है ना, पीछे की तरफ क्या है, अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, या अपना अपर फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसकी पोस्टियर बाउंड्री बना रहा है। और सुपर ऊपर की तरफ क्या है, थोरेसिक इनलेट है ये, और नीचे की तरफ क्या है, इमेजिनरी प्लेन है, और इस साइड में तो अपना मीडियास्टिनम प्लूरा मिलेगी, ठीक है। अपना सुपीरियर मीडियास्टिनम की बाउंड्री हो गई। अभी इसका कंटेंट देखेंगे थोड़ी देर में, सबका कंटेंट एक साथ ही डिस्कस करेंगे, अभी अपन सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री पढ़ रहे हैं। तो आगे की तरफ तो अपने स्टर्नम का मैनुब्रम वाला पार्ट है, पीछे की तरफ अपना T4 वर्टिब्रा है, अपर T4 वर्टिब्रा है ना, और ये है अपनी कौन से थोरेसिक इनलेट, और ये अपनी इमेजिनरी प्लेन जो इसकी इन्फीरियर बाउंड्री बना रहा है, और इस साइड में अपना मीडियास्टिनम प्लूरा मिलेगा। अब बात करते हैं अपने इन्फीरियर मीडियास्टिनम के बारे में। तो इन्फीरियर मीडियास्टिनम को अपने तीन पार्ट में बांटा है, एंटीरियर मिडिल एंड पोस्टीरियर। अब एंटीरियर मीडियास्टिनम ये अपने पेरिकार्डियम के आगे की तरफ होता है, फ्रंट ऑफ पेरिकार्डियम, ठीक है। इसकी एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है, तो बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये एंटीरियर बाउंड्री बना रहा है। पीछे की तरफ अपना पेरिकार्डियम है, देखो इसकी बाउंड्री बात कर रहे हैं, आगे की तरफ बॉडी ऑफ स्टर्नम, पीछे की तरफ अपना पेरिकार्डियम है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, ये इमेजिनरी प्लेन है ना, ये इमेजिनरी प्लेन, ये नीचे की तरफ क्या है, नीचे की तरफ अपना डायफ्राम है, नीचे की तरफ ना ये डायफ्राम है। और ईस्ट साइड में क्या है, ईस्ट साइड में अपना मीडियास्टिनम प्लूरा मिल रहा है, ठीक है। सबका ईस्ट साइड मीडियास्टिनम प्लूरा ही बनाएगा, ईस्ट साइड में मीडियास्टिनम प्लूरा दिखता है, आप ऐसे देख लो, ये आगे
और इसके पीछे की तरफ, अपने बस इस डायग्राम को ऐसे टेढ़ा किया है। अब इसके ऊपर और इधर की तरफ तो अपने वही मिलेंगे ना, लंग्स और प्लूरा ही मिलेंगे, तो वो मिड ईस्टर्न प्लूरा ही बनाएगा इसका ईच साइड, ठीक है। अब मिडिल मिड ईस्टर्नम की बाउंड्री के बारे में बात करते हैं। तो मिडिल मिड ईस्टर्नम क्या होता है, जो वो एरिया जो अपना पेरिकार्डियम के थ्रू कवर्ड होता है, ऑक्यूपाइड बाय द पेरिकार्डियम। अब इसके आगे की तरफ, तो आगे की तरफ तो ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट जो अपने स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम को कनेक्ट करते हैं वो बना रहे हैं। पीछे की तरफ क्या है, तो पीछे की तरफ यहाँ से अपने ईसोफेगस और अपने थोरेसिक डक्ट वगैरह वो जा रहे हैं, तो वो इसके पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएंगे। और ईस्ट साइड में अपने मिड ईस्टर्नम प्लूरा है वो बना रहे हैं, ठीक है। अब अपने पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम, पीछे वाले मिड ईस्टर्नम, तो पीछे वाले मिड ईस्टर्नम इसकी एंटीबॉडी कौन बना रहा है, ये अपना पेरिकार्डियम में ये बना रहा होगा, ठीक है। और पीछे की तरफ बॉडी कौन बना रहा है, T5 वर्टीब्रा से लेकर T12 वर्टीब्रा तक इसकी पोस्टीरियर बॉडी बना रहा है। और ई साइड में तो अपना मिड ईस्टर्नम प्लूरा हो गया, ठीक है। तो ये इसकी बाउंड्री होगी अपने मिड ईस्टर्नम की। तो अपने मिड ईस्टर्नम में सुपीरियर मिड ईस्टर्नम देखा, एंटी मिड ईस्टर्नम, मिडिल मिड ईस्टर्नम एंड अपने पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो देखो ये अपने थोरेसिक वर्टीब्रा है, आपको सीक्वेंस से इसके कंटेंट याद करने पड़ेंगे तभी आप इनके कंटेंट को लिख पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो थोरेसिक वर्टीब्रा के जस्ट पीछे यहां से जाते हुए थोरेसिक डक्ट इस टाइप में, ये इस टाइप है। अभी थोरेसिक डक्ट है तो जाहिर सी बात है थोरेक्स के अंदर ही होगी, तो ये थोरेक्स में ऊपर से लेकर नीचे तक होती है। अभी सुपीरियर मिड ईस्टर्नम का कंटेंट भी बनाता है और ये अपना क्या है, ये अपना पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम है, तो पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम का कंटेंट भी बनाता है कौन, थोरेसिक डक्ट। ये अपना थोरेसिक डक्ट हो गया, ये थोरेसिक डक्ट, अभी थोरेसिक डक्ट है, इसकी सुपीरियर मिड ईस्टर्नम की बाउंड्री बनाता है और ये अपनी कौन सा है, पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम, इसकी बाउंड्री बनाता है। अब यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पे मिलता है अपना ईसोफेगस, ईसोफेगस ऊपर से ही आता है इस टाइप में, ईसोफेगस आता है ये नीचे की तरफ चल जाता है, ठीक है, इस टाइप में आया ईसोफेगस है, ये भी अपने सुपीरियर मिड ईस्टर्नम की बाउंड्री बनाएगा एंड अपने पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम में इसकी बाउंड्री बनाएगा। इसके बाद आता है अपना क्या, यहाँ पे होता है अपना पेरिकार्डियम है, तो पेरिकार्डियम के अंदर अपना हार्ट होगा, तो हार्ट को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखो इस टाइप अपने ये सुपीरियर वेना कावा है, सुपीरियर वेना कावा का हाफ वाला पार्ट तो होता है अपना सुपीरियर मिड ईस्टर्नम के अंदर, जो अपना एक्सटर्नल एंगल से इमेजिनरी प्लेन खींचा है ना, ये सुपीरियर वेना कावा को भी बांटता है और अपनी अओर्टा को बांटता है। जब अपना एक्सटर्नल एंगल पढ़ा था तब अपने देखा था, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक्सटर्नल एंगल मिल जाएगा आपको यहाँ पे थोरेक्स एनाटॉमी नाम से प्लेलिस्ट है उसमें। तो ये सुपीरियर वेना कावा का अपर वाला पार्ट होता है सुपीरियर मिड ईस्टर्नम के अंदर, और ये नीचे वाला पार्ट होता है अपने इन्फीरियर मिडिल मिड ईस्टर्नम के अंदर, ठीक है। ये अपना सुपीरियर वेना कावा हो गया और ये अपना राइट ओट्रियम हो गया, नीचे की तरफ ये अपना इन्फीरियर वेना कावा हो गया इस टाइप में, ये ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ये यहाँ से जाएगा अपना, ये हो गया अपना पल्मोनरी ट्रंक, ये पल्मर ट्रंक हो गया ये इस टाइप में, ये हो गया अपना राइट वेंट्रिकल, ये हो गया अपना लेफ्ट ओरिकल, ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल इस टाइप में। यहाँ से जाता है अपना क्या, ये हो गया अपना आओटा, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हुआ है और ये अपने यहाँ पे चल जाएगा इस टाइप में, ये इस टाइप, ये जो एक्सटर्नल एंगल से ऊपर की तरफ है ये अपना आर्च ऑफ आओर्टा हो गया, इसके नीचे की तरफ ये होगा अपना असेंडिंग आओर्टा और ये नीचे की तरफ आके, और जो डिसेंडिंग आओर्टा होता है वो पेरिकार्डियम से कवर नहीं होता है, तो डिसेंडिंग आओर्टा को अपन यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो जो अपने ये एक्सटर्नल एंगल से इमेजिनरी प्लेन खींचा है ये अपने आओर्टा को 3 सेगमेंट से बांटता है, अपने बताया था। तो ये अपने नीचे वाला हो गया असेंडिंग आओर्टा, ये हो गया अपना आर्च ऑफ आओर्टा और ये इधर की तरफ हो जाएगा अपना डिसेंडिंग आओर्टा, ये अपना डिसेंडिंग आओर्टा हो गया। तो डिसेंडिंग आओर्टा किसका कंटेंट होगा, अपने पोस्टीरियर मिड ईस्टर्नम का, ठीक है। ये अपना डिसेंडिंग आओर्टा हो गया यहाँ पे, अभी थोरेक्स के अंदर होगा तो इसे थोरेसिक आओर्टा बोल देंगे, एब्डोमेन के अंदर चल जाएगा तो इसे एब्डोमिनल आओर्टा बोल लेंगे, नीचे का अपना टर्मिनल आओर्टा। तो ये अपने आर्च ऑफ आओर्टा होता है, आर्च ऑफ आओर्टा की 3 ब्रांचेज होती है, एक अपनी ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, एक अपनी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एक अपनी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक फर्दर 2 ब्रांच, एक अपनी राइट सबक्लेवियन आर्टरी, एक अपनी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इस टाइप में, ठीक इस टाइप में अपनी ये होती है। तो ये आर्च ऑफ आओर्टा और इसकी 3 ब्रांचेस, ये तो सुपीरियर मिड ईस्टर्नम का कंटेंट होती है, और नीचे तो अपने डिसेंडिंग आओर्टा आ रहा है, तो डिसेंडिंग आओर्टा इसके
ये मिडिल पोस्टियर मीडियास्टिनम का कंटेंट होता है। अब हार्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ होंगी वो अपने इसका ही कंटेंट होगी। ठीक, अब देखो अपन यहाँ पे देखा था इस टाइप में, ये अपना ट्रेकिया आ रहा है। अब ट्रेकिया है जो बाइफरकेशन हो रहा है ट्रेकिया का, यहाँ पे होता है ठीक, और यहाँ पे अपना हार्ट मिलता है। तो ट्रेकिया का बाइफरकेशन होगा ये इसके ऊपर से ही हो रहा है, जाहिर सी बात है ना। तो ट्रेकिया का बाइफरकेशन यहाँ से होता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर अपनी ट्रेकिया होती है और यहाँ पर आके वो प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। तो जो प्राइमरी ब्रोंकस होंगे या अपना ट्रेकिया का बाइफरकेशन होगा वो तो अपने मीडियल मीडियास्टिनम के अंदर आएगा और ट्रेकिया इसके ऊपर की तरफ होगी। इस टाइप आता है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, अपना डायग्राम बहुत कचपच हो जाएगा इस वजह से। तो यहाँ पर ट्रेकिया इस टाइप में आता है और ट्रेकिया का बाइफरकेशन नीचे की तरफ हो जाता है। जो अपना ये प्लेन है यही बाइफरकेशन होता है, इसी के लेवल में बाइफरकेशन होता है, ये एक्सटर्नल एंगल के में बताया था आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफरकेशन हो जाता है। तो वो अपने बाइफरकेशन तो मिडिल मीडियस्टर्म के अंदर आ जाता है और ट्रेकिया है वो अपने सुपीरियर मीडियस्टर्म के अंदर आ जाता है। ठीक, अब आगे की तरफ, तो आगे की तरफ यहाँ पे क्या होता है, अपना थाइमस वगैरह मिलता है, यहाँ पे अपने थाइमस मिलते हैं ना। तो थाइमस इस टाइप में, ये अपना थाइमस होगा। तो थाइमस इसके सुपीरियर मीडियस्टर्म का कंटेंट भी होता है और ये अपना एंटीरियर मीडियस्टर्म हो गया, इसका कंटेंट भी होता है। और यहाँ पे अपने लिम्फ नोड वगैरह तो सब में मिलते ही हैं। आगे की तरफ अपने एरियोलर टिश्यू मिलेंगे, वो भी इसका कंटेंट बनाएंगे। तब इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो मीडियस्टिनम के बारे में देख लिया, मीडियस्टिनम क्या होता है, इसकी बाउंड्री अपने देख ली। ठीक, फिर अपने मीडियस्टिनम को दो पार्ट में बांटा, सुपीरियर मीडियस्टिनम एंड इन्फीरियर मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम को एक इमेजिनरी प्लेन होता है जो अपना एक्सटर्नल एंगल है टिफा वर्टिब्रा के बीच में होता है, वो इसे दो पार्ट में बांट देता है। फिर इन्फीरियर मीडियस्टिनम का पेरिकार्डियम को तीन पार्ट में बांट देता है। फिर अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम की बाउंड्री देख ली थी, आगे तरफ अपना मेरिब्रम स्टर्नी, पीछे तरफ अपना टी4 वर्टिब्रा, अपर थोरेसिक वर्टिब्रा, सुपीरियर थोरेसिक लेट, इन्फीरियर इमेजिनरी प्लेन एंड ईस्ट साइड ऑफ द मीडियस्टर्म प्लूरा। अब इसके कंटेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखो अपने ये सुपीरियर मीडियस्टर्म हो गया। ठीक, अब सुपीरियर मीडियस्टर्म ऊपर की तरफ से क्या आ रहा है, अपना थोरेसिक डक्ट आ रहा है। ये अपनी थोरेसिक डक्ट हो गई, कर देता है ये अपनी थोरेसिक डक्ट ये अपनी ईसोफेगस और ये अपनी डिसेंडिंग आउटर। तो देखो ये अपनी थोरेसिक डक्ट है, थोरेसिक डक्ट इसका कंटेंट है। ठीक है, अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम, ये अपना सुपीरियर मीडियस्टिनम है, थोरेसिक डक्ट इसका कंटेंट है, ईसोफेगस इसका कंटेंट है, अपनी ट्रेकिया। अब ट्रेकिया यहाँ पे होती है, बताया था आपको कि ट्रेकिया यहाँ पे होती है और इसके लेवल पे वो बाइफरकेट हो जाती है। तो ट्रेकिया अपने इसका कंटेंट होता है और इसका बाइफरकेशन ऑफ ट्रेकिया यानी अपने प्राइमरी ब्रोंकस होते हैं वो अपने मिडिल मीडियस्टिनम का कंटेंट होता है। तो ट्रेकिया इसका कंटेंट हो गया। और अपने आर्च ऑफ ऑर्टा एंड इसकी ब्रांचेज, ये अपने अओर्टा हो गया। तो अओर्टा को तीन सेगमेंट में बांटता है कौन, अपना ये इमेजिनरी प्लेन। इसके ऊपर की तरफ होता है अपना आर्च ऑफ अओर्टा। अब आर्च ऑफ अओर्टा किसके अंदर, अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर है ना। तो आर्च ऑफ अओर्टा एंड इसकी ये तीनों ब्रांचेज है ना, ये ब्रांचेज इसका कंटेंट होता है सुपीरियर मीडियस्टिनम का। अब इस सुपीरियर वेना कावा का अपर वाला पार्ट अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर होता है एंड लोअर वाला पार्ट अपने मिडिल मीडियस्टिनम के अंदर होता है, बताया था आपको। एंड सुपीरियर वेना कावा से क्या निकलती है, अपनी ब्रेकियोसिफेलिक वेन, इस टाइप में ब्रेकियोसिफेलिक वेन निकलती है। और ब्रेकियोसिफेलिक वेन क्या करती है, इनको पियर्स करती है। देखो अभी ड्रॉ कर देता है, जैसे ये इस टाइप में ये ब्रेकियोसिफेलिक वेन निकलती है। ठीक है, ये ऐसे पी एस करती है। तो ये ब्रेक के सिफेलिक वेन ये किसके अंदर है, ये भी अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर है, तो ये भी बनाई गया। एंड वेगस एंड फ्रेनिक नर्व्स होती है, वो भी अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर होती है। एंड अपने थाइमस है, आगे की तरफ में अपने थाइमस है एंड लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड भी इसका कंटेंट बनाया गया। तो इसका कंटेंट होगा अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम का, पीछे की तरफ में थोरेसिक डक्ट। सीक्वेंस है आप याद रखना, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाएगा आप। ये थोरेसिक डक्ट आ रहा है तो अपना पूरे थोरेक्स में होगा, अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम का कंटेंट भी बनाएगा और पीछे तो अपना पोस्टियर मीडियस्टिनम होगा उसका कंटेंट भी बनाएगा। ईसोफेगस ऊपर से आ रहा है, ट्रेकिया का बाइफरकेशन कहाँ हो रहा है। अब ट्रेकिया होती तो ऊपर की तरफ है ना, लेकिन उसका बाइफरकेशन अपने ये इमेजिनरी प्लेन के लेवल पर होता है तो वो मिडिल मीडियस्टिनम में आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर अपना हार्ट होता है तो बीच में ही तो है ना, ये तो मिडिल मीडियस्टिनम में आ जाएगा। अब जो अओर्टा होता है, अओर्टा को जो इमेजिनरी प्लेन तीन पार्ट में बांटता है, तो जो अपना असेंडिंग आउट और डिसेंडिंग आउट होता है वो तो इमेजिनरी प्लेन से नीचे रह जाएंगे और जो आर्च ऑफ आउट है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। तो आर्च ऑफ आउट है एंड इसकी ब्रांच सुपीरियर वेना कावा को, मतलब तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो तो अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के अंदर और नीचे वाला मिडिल मीडियस्टिनम के अंदर। एंड ब्रेकियोसिफेलिक वेन सुपीरियर वेना कावा से कनेक्टेड होती है। वेगस एंड फ्लेगम एंड अपने थायमस एंड अपने लिम्फ नोड, ये अपने सुपीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट हुए। अब बात करते हैं अपने एंटीरियर मीडियस्टिनम के कंटेंट। तो एंटीरियर की तरफ क्या क्या दिख रहा है आपको, जो अपनी स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट है जो अपने स्टर्नम एंड पेरिकार्डियम को कनेक्ट कर रहे हैं, ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट इसका कंटेंट हो जाएगा। और ये अपने थायमस है, तो थायमस इसका कंटेंट हो जाएगा। और अपने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, अब देखो जो अपनी
ये क्या है अपने राइट सबक्लेवियर आर्टरी, राइट सबक्लेवियर आर्टरी इस टाइप में ये बाहर की तरफ आएगी, ठीक है, इस तरह बाहर की तरफ आई। इस राइट सबक्लेवियर आर्टरी को एक अपनी स्केलियस एंटीरियर मसल होती है, इस टाइप में स्केलियस एंटीरियर मसल मिलती है, वो इस सबक्लेवियर आर्टरी को तीन पार्ट में बांट देती है। तो इस सबक्लेवियर आर्टरी के फर्स्ट वाले पार्ट से निकलती है अपनी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, जो इस टाइप नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, इस टाइप में। तो वो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी इसका कंटेंट हो जाएगा, किसका, एंटीरियर मीडियस्टेनम का। अब अपने लिम्फ नोड तो मिलेंगे एंड अपने एरियल टिश्यू, आगे की तरफ एरियल टिश्यू होते हैं तो वो भी इसका कंटेंट बनाएंगे। अब बात करते हैं मिडिल मीडियस्टेम की, तो मिडिल मीडियस्टेम, अब अपने पेरिकार्डियम है जो अपने हार्ट को तो इनक्लोज कर रहा है, तो अपने हार्ट तो इसका कंटेंट हो गई, साथ में अपने असेंडिंग ऑर्टा इसके नीचे की तरफ रह जाता है ना, असेंडिंग ऑर्टा इसके नीचे की तरफ रह गया तो असेंडिंग ऑर्टा इसका कंटेंट होगा, और ये अपने पल्मोनरी ट्रंक के एंड अपनी पल्मोनरी आर्टरीज है वो भी इसका कंटेंट होगी, ठीक। अब वेन्स, तो वेन्स में ये अपर वाला पार्ट तो अपने सुपीरियर मीडियस्टेम के अंदर आ गया, नीचे वाला पार्ट इसके अंदर आ गया, तो लोअर हाफ ऑफ सुपीरियर वेना कावा एंड अपना टर्मिनल पार्ट ऑफ एजाइगस वेन, यहाँ से क्या होती है अपनी एजाइगस वेन इस टाइम में कनेक्ट होती है, ये एजाइगस वेन और एजाइगस वेन इसमें चल जाती है, ठीक, एजाइगस वेन यहाँ पर कनेक्टेड होती है। तो एजाइगस वेन अपने इसका कंटेंट भी होता है, और जो अपने एजाइगस वेन से रिलेटेड है अपनी हेमी एजाइगस वेन, एसी एसरी हेमी एजाइगस वेन, वो इसका कंटेंट होता है अपने पोस्टीरियर मीडियस्टेम का। ये नर्व में अपनी फ्रेनिक नर्व एंड अपनी डीप कार्डियक प्लेक्सिस, ये अपने मिडिल मीडियस्टेम एंड ट्रेकिया मिल रहा है, और ट्रेकिया का बाइफरकेशन, ट्रेकिया को अपने इसके कंटेंट में देखा था एंड ट्रेकिया का बाइफरकेशन यानी अपने जो प्राइमरी ब्रोंकस है उसे अपन मिडिल मीडियस्टेम के कंटेंट का अंदर देखेंगे, आपको बताया था शुरुआत से। फिर अपने इसका कंटेंट, इसमें कौन कौन सी कंटेंट बना रही है, ईसोफेगस, ये अपने ईसोफेगस आ रही है, थोरेसिक डक्ट, ये अपनी थोरेसिक डक्ट आ रही है, डिसेंडिंग ऑर्टा, अभी डिसेंडिंग ऑर्टा है एंड डिसेंडिंग ऑर्टा की ब्रांच कौन सी वाली, थोरेसिक ब्रांच, क्योंकि अपन थोरेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गई। एंड अपनी एजाइगस वेन, हेमीएजाइगस वेन एंड एसेसरी हेमीएजाइगस वेन, आपको बताया था कि यहाँ पे अपनी जो एजाइगस वेन होती है वो इधर की तरफ आके, और एजाइगस वेन इससे रिलेटेड वेन होती है अपनी हेमीएजाइगस, एसेसरी हेमीएजाइगस, वो इसका कंटेंट बनाती है। एंड अपनी स्प्लेनिक नर्व, स्प्लेनिक नर्व होती है वो भी इसका कंटेंट बनाती है, और अपनी जो ये वर्टिब्रा है, लोअर एट वर्टिब्रा है, इनसे रिलेटेड जो अपनी सिंपैथेटिक नर्व्स वगैरह होती हैं वो भी इसका कंटेंट होती है। अब वर्टिब्रा पीछे की तरफ है तो यहाँ भी पे अपनी नर्व्स वगैरह होंगी तो वो अपने इसका कंटेंट बनाएगी, ठीक, और अपने लिम्फ नोड तो होंगे तो लिम्फ नोड इसका कंटेंट बनाएगी। तो ये अपने मीडियस्टेनम के बारे में इतना ही था, इसकी बाउंड्री एंड कंटेंट एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको फास्टली। तो देखो अपने मीडियस्टेनम की बाउंड्री देखी थी सबसे पहले, तो मीडियस्टेनम होता क्या है, तो मीडियस्टेनम अपने दोनों लंग्स या अपने दोनों प्लोरा के बीच का जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं मीडियस्टेनम। अब इसकी बाउंड्री देखी थी, तो आगे की तरफ अपना कौन बनाता है, एंटीरियर स्टर्नम बनाता है एंटीरियर बाउंड्री, पीछे की तरफ अपना जो अपने थोरेसिक वर्टिब्रा होते हैं वो बनाते हैं, सुपीरियर बाउंड्री थोरेसिक इनलेट बनाता है, इन्फीरियर बाउंड्री अपने डायफ्राम बनाता है, और ईस्ट साइड में अपना क्या होता है मीडियस्टेनम प्लूरा होता है वो इसकी ईस्ट साइड की बाउंड्री बनाता है। फिर अपन ने इस मीडियस्टेनम को दो पार्ट में बांटा था, एक सुपीरियर मीडियस्टेनम और एक इन्फीरियर मीडियस्टेनम, किसके थ्रू, इमेजिनरी प्लेन है ना जो अपना एक्सटर्नल एंगल अपने टी फोर वर्टिब्रा के बीच में, इसके थ्रू। अब जो अपने इन्फीरियर मीडियस्टेनम होता है इसे पेरिकार्डियम है वो दो तीन पार्ट में बांट देता है, एक हो गया एंटीरियर मीडियस्टेनम, एक मिडिल मीडियस्टेनम, एक पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, ठीक। अब सुपीरियर मीडियस्टेनम की बाउंड्री, तो आगे की तरफ क्या है, ये अपना एक्सटर्नल का मैनिब्रम वाला पार्ट ये बनाता है, पीछे की तरफ अपने अपर फोर्थ वर्टिब्रा है ये बनाता है, सुपीरियर बाउंड्री थोरेसिक इनलेट, इन्फीरियर बाउंड्री जो अपना ये क्या है इमेजिनरी प्लेन ये बनाता है। फिर अपना एंटीरियर मीडियस्टेम, अब एंटीरियर मीडियस्टेम का आगे की तरफ क्या है, अपने स्टर्नम का बॉडी वाला पार्ट ये बनाता है, पीछे की तरफ अपना पेरिकार्डियम है, ऊपर की तरफ इमेजिनरी प्लेन है, नीचे की तरफ अपना डायफ्राम ये बनाता है, ठीक, ई साइड में अपना मीडियस्टेम प्लूरा है। अब अपने ये मिडिल मीडियस्टेम, मिडिल मीडियस्टेम का आगे की तरफ क्या है, तो आगे की तरफ ये स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट ये बनाते हैं, पीछे की तरफ क्या है, पीछे की तरफ अपना थोरेसिक डक्ट, डिसेंडिंग आउटा, ये डिसेंडिंग आउटा हो गया, ये अपना ईसोफेगस हो गई, तो इसकी पोस्टीरियर बाउंडी बना देंगे, ठीक, इस साइड में अपना मीडियस्टेनम प्लूरा होता है। अब अपने ये कौन सा है, ये वाला है अपना पोस्टीरियर मीडियस्टेनम, पोस्टीरियर मीडियस्टेनम का आगे की तरफ क्या है पेरिकार्डियम है, पीछे की तरफ क्या है ये अपने वर्टिब्रा ये है, इस साइड में अपना मीडियस्टेनम प्लूरा हो गया। फिर अपने इसका कंटेंट देखा था, तो कंटेंट के लिए आप सीक्वेंस याद रखो कि अपने वर्टिब्रा के बाद होता है अपने थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट के बाद होता है अपना ईसोफेगस, ठीक, ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आप ट्रेकिया को याद रखो, लेकिन ट्रेकिया को आप ऐसे याद रखो कि ये अपने हार्ट के ऊपर की तरफ ही होता है, तो अपने बीच में ही मिलेगा, मतलब अपने हार्ट का कंटेंट होता है। अब ट्रेकिया का बाइफर्केशन होता है वो इस इमेजिनरी प्लेन के लेवल पर होता है, तो ट्रेकिया तो इसका कंटेंट हो जाएगा और बाइफर्केशन वो इसका कंटेंट हो जाएगा, ठीक, ट्रेकिया को याद रख लिया। फिर आप हार्ट का डायग्राम ड्रॉ कर दो, हार्ट के डायग्राम से आप देखो कि जो अपने आओटा होता है, अवोटा को ये इमेजिनरी प्लेन तीन पार्ट में बांट देता है, जिसे अपन ने एक्सटर्नल एंगल के अंदर पढ़ा है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना एक्सटर्नल एंगल के अंदर पढ़ा है, एक्सटर्नल एंगल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लेना, ऐसे एक डायग्राम बनाया है मैंने अच्छा सा, उस डायग्राम से आपको एक एक चीज अच्छे से क्लियर करवाई थी। देखो इस टाइम में ये अपना एक्सटर्नल एंगल का डायग्राम ड्रॉ किया था मैंने, तो ये अपनी अवोटा है ना, इस अवोटा को तीन पार्ट में बांटते हैं, ये अपने असेंडिंग अवोटा, ये आर्च ऑफ अवोटा, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा अपना डिसेंडिंग अवोटा,
इस तरह एंगल आप पढ़ लेना एक बार, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला होगा, ये सुपीरियर मेरिस्टेम कंटेंट बनाएगा, इसकी ब्रांचेज ये बनाएगी, सुपीरियर वेना कावा का अपर वाला पार्ट अपने ब्रेकस वाली वेन ये बनाएगी, ठीक। अपने थायमस है, थायमस का अपर वाला पार्ट इसका कंटेंट बनाएगा, लोअर वाला पार्ट इसका कंटेंट बनाएगा, साथ ही अपने एरियल टिश्यू और लिम्फ नोड वगैरह तो होते ही, तो ये इसका कंटेंट हो गए। फिर इसमें देखा तो इसमें ये लिगामेंट है, इस थायमस का लोअर वाला पार्ट है, और भी चीजें इसमें अपनी जो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी है ये है, ठीक है, तो ये इसका कंटेंट हो जाएगी। फिर अपने मिडिल मेडिस्टम का कंटेंट देखा था, तो अपने असेंडिंग अओर्टा है, इसकी ब्रांचेज हो गई, अपनी पल्मोनरी ट्रंक इसकी ब्रांचेज हो गई, और साथ ही अपने और ये ट्रेकिया बाइफर्केशन है कि इसमें, और अपने नर्व्स हैं, कार्डियक प्लेक्सस वगैरह वो इसका कंटेंट हो जाएगी। पीछे की तरफ ये अपने इसके कंटेंट ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, और साथ में अपनी वर्टीब्रा है, तो वर्टीब्रा सप्लाई करने के लिए अपनी सिंपथेटिक नर्व्स वगैरह आती है, वो इसका कंटेंट हो जाएगी। तो ये अपना मेडियास्टिनम कंप्लीट हो गया, ये अपना इसका पार्ट हो गया। एक एक पार्ट आपको अच्छे से समझा दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना होता है आपको, अपनी बीडीसी के अंदर भी इतना ही मिलेगा। आप इसे पढ़ने के बाद अगर आप बीडीसी को पढ़ते तो आपको एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब, यार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, थैंक यू।